जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद से हमारा हृदय भरा हुआ है। हम सब लोग प्रभु इतने धन्यवादित हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर बनाए रखते हैं। हम सबका पारिवारिक जीवन और हमारा व्यक्तिगत जीवन उन्नति में बढ़े और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले, यही निवेदन करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम आज फिर से फॉलन एंजल्स, पतित स्वर्गदूतों के विषय में कुछ बैकग्राउंड या इसका फाउंडेशनल अध्ययन करेंगे कि ये कैसे क्या हुआ है, ताकि आपको परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल की बातों को आप समझ सकें और परमेश्वर की योजना को समझ सकें। शैतान और उसके दूतों के विरुद्ध युद्ध, जो फॉलन एंजल्स हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसे हम स्वर्गीय आयाम बोल सकते हैं या इंग्लिश में स्पिरिचुअल रेल्म में बोल सकते हैं, हमारे पांच इंद्रियों के द्वारा हम इन्हें देख नहीं सकते और इन्हें जान नहीं सकते। ये हमारी इंद्रियों से बाहर का वर्ल्ड है और जो मनुष्य है फिजिकल है और आत्मा रहित है क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है और वो ये अनदेखी शक्तियों को जो आत्मिक क्षेत्र में पाई जाती हैं इनको वो देख नहीं पाता है, लेकिन उसको ये जरूर होता है कि कुछ है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है बहुत पावरफुल। बाइबल उसी विषय को स्पष्ट करती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दुष्ट की शक्तियों पर जयवंत हो सकते हैं केवल, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के आधी। इफिसियों 6 अध्याय, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपका और हमारा ये युद्ध किससे है, ये स्पिरिचुअल लड़ाई हमारी किससे है? अरे आत्मिक सेनाओं से है। यहां एक तरफ आप है और एक तरफ पूरी आर्मी है, पूरी सेना है, दुष्ट की सेना। अब आप एक बात बताइए, अनदेखे शत्रु से आप लड़ कैसे सकते हो? एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कोरोना आया, वायरल डिजीज थी। वायरल डिजीजेस और भी हैं जो वायरस यानी एक दूसरे के संपर्क में जाने से लग जाती है। वायरस को आप देख सकते हैं तो आप वायरस से लड़ेंगे कैसे? आप हर उस शत्रु से जिसे आपकी आंख देख नहीं सकती और आपके विरुद्ध में वो खड़ा हुआ है तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? और संसार में इंसान जो है ना वो अपने आप को बहुत योद्धा समझता है, बहुत शक्तिशाली समझता है और उसे ये नहीं मालूम कि ऐसे शत्रु भी हैं जो तुम्हें दिखते नहीं है लेकिन वो तुम्हारा सर्वनाश कर सकते हैं। ये अनदेखी शक्तियां जिसे लोग कहते हैं ऊपरी चक्कर, इनसे लड़ नहीं सकते ना इनसे जीत सकते हैं और इनके विषय में बाइबल स्पष्ट करती है कि ये है, ये फॉलन एंजल्स हैं सब। और इसीलिए पौलुस इस विषय में कलीसिया को बहुत साफ साफ इस बात के लिए बता रहा है। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय
और उसका 8 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। अब आप देखिए, ये जो हमारा विरोधी शैतान है वो हर समय एक भूखे शेर की तरह शिकार ढूंढता रहता है, और उसको मालूम आसानी से शिकार मिलते हैं, क्योंकि इंसान को यही नहीं मालूम कि वो किसके कंट्रोल में जा रहा है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 10 पद, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 जी, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, और मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाए, यानी इतना भरपूरी का जीवन देना आया था यीशु मसीह, भरपूरी का जीवन देने आया, किसी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपनी शक्ति अपने बल पर बहुत घमंड करता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। लेकिन आपको मालूम है, आपकी आज संसार में बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कमाई को कौन नष्ट कर रहा है? शैतान नष्ट कर रहा, अदृश्य शत्रु है, और एक बार में आपके जान पर अटैक करेगा, आपकी जान जान चली गई तो आपका धन किस काम का। आज हम लोग ये चीज को अध्ययन करने और समझने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे शैतान और ये जो फॉलन एंजल्स हैं, यानी जो गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मानवता को भ्रष्ट करने की कोशिश की है, और मसीह ने कैसे बहाली प्रदान की है। जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हम एक आध्यात्मिक लड़ाई में हैं, और हमें उस दुश्मन से लड़ने में कठिनाई होगी जिसे हम नहीं समझते हैं। हमें अपने शत्रु से, उन हथियारों से लड़ना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें अच्छाई से बुराई पर विजय पाने के लिए दिए हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच ये युद्ध शुरू से ही लड़ा जाता रहा है, और आरंभ से ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार स्वर्ग से परमेश्वर ने शैतान को फेंका था भ्रष्टाचार के कारण, और जब वो यहां पर आ गए तो वो दुष्ट की शक्तियां बन गई, और भ्रष्टाचार संसार के वातावरण में व्याप्त हो गया। अब आप ये बताइए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? कभी नहीं। आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है? कभी नहीं। आप मनुष्यों को मार सकते हैं, लेकिन आप जितने मारेंगे उससे ज्यादा पैदा होंगे। आप जितना मारेंगे उतना ज्यादा, मनुष्य जितने ज्यादा मरेंगे उतने ज्यादा भ्रष्टाचारी पैदा हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंत नहीं है, और इसीलिए जो यीशु मसीह के चेले हैं और यूहन्ना, उन्होंने क्या लिखा? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। ये यीशु मसीह के चेले हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य भी लिखा और यूहन्ना रचित सुसमाचार भी लिखा। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से कब से सृष्टि के आरंभ से शैतान पाप कर रहा है। उसने मनुष्य को पाप में फंसा दिया, और उसके बाद से सारी मानव जाति, मानव जीवन श्रृंखला पूरी पाप में और करप्शन में फंस गई। आरंभ से का मतलब यहां पर क्या है? शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, तो आरंभ से का क्या मतलब है? और इसीलिए हम इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि आरंभ से क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अदन की वाटिका के पहले से, जब शैतान गिराया गया, उत्पत्ति के पहले से, आरंभ से। अब आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो वो पुस्तक में लिखा है आदि, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी आरंभ में। और आरंभ में जब उसने सृष्टि की
तो उस समय पहले शैतान को फेंक दिया था, उसके बाद सृष्टि की, तो भ्रष्टाचार तो आ गया था, करप्शन आ गया था, और तब से करप्शन बढ़ता जा रहा। उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य भ्रष्टाचार का की भेंट चढ़ गया। भजन संहिता उसका 49 चैप्टर 49 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। आपको कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए इस संसार में, लेकिन आप एक दिन पशु की तरह मर के खत्म। बड़े बड़े राजा आए और मर के चले गए। मनुष्य के लिए यहां पर जो हमने अभी पद पढ़ा, इसमें मनुष्य के लिए हिब्रू शब्द एडम है, और जबकि निवास का अर्थ यहां पर एक पद और पढ़ दीजिए, अय्यूब की पुस्तक निकालिए, अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 33 पद पढ़ेंगे। द बुक है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध, आगे अपना अपराध छिपा कर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, हैं? इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार से बाहर ना निकला। यानी अय्यूब अपने विषय में कह रहा कि मैं अपना आधार में ढांप लूं, किसी को पता ना चले, लेकिन परमेश्वर तो देखता है ना। तो आप लोगों के डर से अपने पाप छिपा सकते हैं, अपने आप को ढांप सकते हैं, लेकिन आप है तो पापी, आपका पाप आपके जीवन में प्रकट कर देगा आपको। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, सृष्टि की थी, वो कौन सा दिन था? सृष्टि की रचना परमेश्वर ने शुरू करी है संडे से शुरुआत हुई है, और संडे से शुरू हुई है, और सबसे अंत में उसने मनुष्य को बनाया। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का दिन था, छठा दिन। छठे दिन उसने मनुष्य को बनाया, और छठा दिन कौन सा है? फ्राइडे। और फ्राइडे को उसने बनाया है, सुबह वो परमेश्वर का पुत्र था आदम जब उसे बनाया था, और शाम को वो पापी। एक रात भी वो धर्मी नहीं रहा, एक रात। आप सृष्टि में जाके घर में पढ़ लीजिएगा, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आरंभ से ही पाप उसके जीवन में आया, यानी परमेश्वर ने उसको सवेरे बनाया, वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में था, धर्मी था, और शैतान ने दोपहर में काम किया और शाम को वो पापी था। ये था उसका जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 पद पढ़िए, 44 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 पद। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। कौन? शैतान। वो सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, इसका मतलब शैतान का स्वभाव क्या है? झूठ बोलना। और आज मनुष्यों में कौन सा स्वभाव पाया जाता है? झूठ बोलना। बचपन से देखिए, बच्चे को कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन आप उसका नेचर देखिए, वो झूठ बोल देगा, कभी सच नहीं बोलेगा। जब आप उसको प्यार से पुचकार के, फुसला के जब पूछेंगे, तब धीमे से बताएगा, लेकिन पहले क्या बोलेगा? अब ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन सिखा रहा है? झूठ सिखाने की जरूरत ही नहीं, झूठ तो बोल रहा है, सच सीखना पड़ रहा है। ये देखिए आप, तो मनुष्य क्या पतन की संतान है कि नहीं है? समय की शुरुआत से नहीं, क्योंकि पहले 5 दिनों के दौरान मारने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था,
लेकिन मानव इतिहास की शुरुआत से भोर को मनुष्य पवित्र था और रात तक वो पापी था, जैसा हमने अभी आपको बताया। और उस समय मनुष्य को मारने वाला कोई नहीं था। सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसने मनुष्य को मारा? शैतान। आत्मिक मृत्यु उसकी हुई। शैतान आत्मिक शत्रु है और उसने मनुष्य की आत्मिक मृत्यु का कारण बना, जिसके कारण शारीरिक मृत्यु आ गई। शैतान हमारे पूर्वजों और माता को भ्रष्ट करने के लिए तत्पर था, यहां तक कि पूर्ण शुद्धता में किसी संतान के जन्म लेने से पहले ही जिसके साथ उसे निपटना होता। युद्ध जारी था। वहां अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को पहले से ही इन शब्दों के साथ सुसमाचार सुनाया। यह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये सुसमाचार था, ये प्रभु यीशु मसीह के, वो ये स्त्री का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसी के लिए यहां पर उसने बताया, सांप के रूप में प्रकट होकर शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, उसने आदम को परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी आज्ञा मानने के लिए प्रलोभित किया। तुरंत परमेश्वर ने दुश्मन के खिलाफ सजा सुनाई। परमेश्वर मनुष्य पर शैतान के इस प्रभुत्व को अनंत काल तक चलने नहीं देगा। उसने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जिसे वो मनुष्य की शैतान की दास्ता को तोड़ने के लिए भेजेगा। परमेश्वर ने स्त्री के वंश अर्थात मसीह और शैतान की सेवा के लिए सौंपे गए लोगों के बीच शत्रुता की बात कही। एक पद पढ़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 पद। परमेश्वर ने क्या किया पतित मनुष्य को जो शैतान के वश में चला गया और उसके अंदर सेटनिक नेचर काम करने लगा, शैतानी स्वभाव काम करने लगा, इससे उसका छुटकारा कैसे होगा? यशायाह 7 अध्याय का 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, हैं? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, नहीं उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का मतलब समझते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, ये इमैनुएल का मतलब है। और इमैनुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। पृथ्वी पर ईश्वर का ये अवतार उन कारणों में से एक है जिसके कारण ईश्वर ने अपने शाश्वत पुत्र को पुरुष बनना पड़ा, क्योंकि ये महिला की संतान थी जो शैतान को कुचल देगी। स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन्हें मसीह के साथ एकता में लाया गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 तीन पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21, 22 और 23 पद, कि वे सब एक हों जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यानी वे कौन? मसीही लोग, कलीसिया में जो मसीही लोग हैं,
ये पवित्र आत्मा हमें पिता पुत्र में और पिता पुत्र को हमारे हृदय में ये एक करने के लिए भेजा गया। वचन के द्वारा ये काम होता है। उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा, और वे शैतान पर विजयी होंगे जो मसीह में होंगे, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर यानी शैतान पर विजय पाई। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु से भी मुंह ना मोड़ा। इसे पढ़ दीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 पद। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। काय के लिए? उद्धार के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, अनंत जीवन जो उन्हें प्राप्त हुआ था। यद्यपि शैतान मसीह की एड़ी पर प्रहार करेगा ये कहते हुए कि क्रूस पर क्या होगा, शैतान का सिर प्रभु यीशु मसीह द्वारा कुचल दिया जाएगा। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा नए नियम में, कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय, 2 अध्याय और उसके 13 पद से 15 पद तक पढ़िए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने और प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये क्रूस ने शैतान और उसके दूतों की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। ये संसार में लोग नहीं जानते, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है कि दुष्ट आत्माएं, अगर आप सच्चे मसीही विश्वासी हैं, दुष्ट आत्मा आपको दूर से देखकर भागेगी कि इसके पास से भागो, इसमें प्रभु की आत्मा वास करती है। वो परमेश्वर से बहुत डरते हैं, और इसलिए इमैनुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। पृथ्वी पर ईश्वर का ये अवतार उन कारणों में से एक है जिसके कारण ईश्वर के शाश्वत पुत्र को पुरुष बनना पड़ा था, और इसीलिए इसके उसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी। अब प्रश्न है, शत्रु मनुष्य को भ्रष्ट करने और धोखा देने का प्रयास क्यों करेगा? शैतान किस प्रकार का राज्य बनाना चाहता है? जब परमेश्वर ने शैतान के विरुद्ध सजा सुनाई तो शत्रु ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया कि वो स्त्री के वंश को कैसे रोकेगा। देखिए, जब परमेश्वर ने जब वहां पे अदन की वाटिका में जब उसने न्याय किया तो उसने क्या कहा था शैतान से कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में, तेरे में और स्त्री के बीच में, और तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये बोला था। तब से शैतान युक्ति कर रहा था कि मैं स्त्री को भ्रष्ट कर दूंगा ताकि स्त्री का वंश आने ही ना पाए। इस कारण फॉलन एंजल्स ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किया और संतानें उत्पन्न हुई जो हाइब्रिड थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह मानव मूल से ना आने पाए, वो अवतार ना आए। परमेश्वर का पुत्र जो अवतार है मसीह, वो ना आने पाए। इसके लिए उन लोगों ने कितनी योजना बनाई, और शैतान के अधिकार की एक सीमा है। अदन के बगीचे में शत्रु ने आदम और हवा को धोखा देकर परमेश्वर के वचन के बजाय शैतान के वचन को सुनने
और उसका पालन करने के समझौते में प्रवेश प्राप्त किया। उसने मानव प्रजाति को परमेश्वर के पवित्र पुत्र के शरीर से जन्म लेने के लिए एक उपयुक्त मंदिर, पुत्र के शरीर से जन्म लेने के लिए एक उपयुक्त मंदिर बनने से भ्रष्ट और कलंकित करने की कोशिश की। अदन की वाटिका में शैतान के पहले प्रारंभिक हमले के बाद ये ना जानते हुए कि परमेश्वर का पुत्र कुंवारी से कब पैदा होगा, शैतान ने महिला के वंश को भ्रष्ट करने के लिए दुष्ट स्वर्गदूतों को भेजा और इस तरह एक निर्दोष के माध्यम से मसीह के जन्म में बाधा डाली। कुंवारी जैसा कि हम नीचे दिए गए अंश को पढ़ते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों द्वारा किए गए बुरे आक्रमण के परिणाम के बारे में विशेष रूप से जागरूक रहे। इसके लिए पढ़ दीजिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6:1-4 पद तक पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6:1-4 पद तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों, ये कौन है मालूम है, स्वर्गदूत, फॉलन एंजल, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। यानी अपने मन से, लड़की को पसंद हो या ना पसंद हो, हमको पसंद है, हमने कर लिया, ये वाला हाल था जी। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से, यानी नायक होते थे, हीरोज, इतने पावरफुल थे हीरोज, वो हाइब्रिड थे ना, उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स थी बिकॉज ऑफ फॉलन एंजल। देखिए, जब स्त्री के द्वारा कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें वंश किसका होता मालूम है, उसके, उसने जिससे विवाह किया है उस पुरुष का वंश स्त्री के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसा हम लोगों के बीच में है, जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें पिता के गुण होते हैं, वो जो डीएनए होता है वो पिता का होता है। जब भी आपको इसको, आजकल कोर्ट में क्या डीएनए कैसे पता चलता था ना किसकी संतान, तो उससे वो व्यक्ति पकड़ में आता है कि किस व्यक्ति की संतान है, यानी किस पुरुष की। ये इन फॉलन एंजल्स ने उन स्त्रियों के साथ जब विवाह कर लिया और जो बच्चे पैदा होंगे उनमें किसका डीएनए होगा, यस, ये जो फॉलन एंजल्स की जनरेशन खड़ी हो गई थी, अनाक वंशी, ये इतने भयानक थे, तो परमेश्वर का पुत्र कैसे आता अगर ये वाली जनरेशन होती। इसके कारण परमेश्वर को जल प्रलय में इन्हें सबको नष्ट करना पड़ा। तब परमेश्वर को निर्णय लेना पड़ा, हार्ड डिसीजन था, और उसने निर्णय लिया केवल उस जमाने में 1, 2, 3 नू के कितने बेटे थे और उसकी तीनों की पत्नियां और नू की पत्नी, 3 जोड़े ये और ये 4 जोड़े, ये 4 जोड़ों को बताया था जो मानव मूल में थे, बाकी सब फॉलन एंजल। इसलिए ये जल प्रलय पृथ्वी पर परमेश्वर ने किया था। ईश्वर के पुत्र के रूप में अनुवादित हिब्रू शब्द, यहां पर जो यहां पर लिखा ना परमेश्वर के पुत्रों ने, ये परमेश्वर के पुत्रों के रूप में जो यहां पर लिखा हुआ है हिब्रू में, ये शब्द है बिनाय हा एलोहिम, इसका मतलब जिसका उपयोग पुराने नियम में स्वर्ग दूतों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ये हिब्रू वाक्यांश वो है जो अय्यूब की पुस्तक में उपयोग किया जाता है जब बनी अलोहीम, जिसका अनुवाद स्वर्गदूतों या परमेश्वर के पुत्रों के रूप में किया जाता है, ने शैतान के साथ खुद को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया और अय्यूब पर गलत इरादों का आरोप लगाया।
और ये आपको अय्यूब की पुस्तक में पहले और दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो परमेश्वर के पुत्र लिखा हुआ है वो यही है, बनाए हा इलोहिम यानी फॉलन एंजल्स। ये इनको ये स्मरण रखने योग्य है कि एक सृजित प्राणी के रूप में आदम को परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है, कहा जाता था, जैसा कि लूका 3 अध्याय उसके 38 पद में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 38 पद पढ़िए। हाँ, और वो एनोश का और वो शेत का और वो आदम का, यानी आदम का, आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। अब देखिए यहां पे जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम परमेश्वर का पुत्र था। और यहां पे इसीलिए हमको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल रही है कि परमेश्वर के पुत्रों ने पुरुषों की बेटियों को देखा कि वे अच्छी थी, गोरी थी, और इस तरीके से हम पढ़ते हैं बनाई हा अलोहिम ने आदम की बेटियों को देखा कि वे गोरी थी, फिट एक्सटेंशन जोर दिया गया। ये संभव है कि मूसा पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत ये समझा रहे हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत प्राणियों ने देखा कि वे हमारे अस्तित्व के स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, उनका इस हमले में मानव जाति को अनुवांशिक सामग्री के साथ भ्रष्ट करने के लिए उनकी अनुवांशिक सामग्री को शुद्ध मानव स्टॉक के साथ मिलाना शामिल था, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। ये इसका इसका एक पद और पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद फिर से पढ़िए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के इस बात को शैतान ने सुन लिया था कि स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचलेगा, तो शैतान ने स्त्री के वंश को यानी डीएनए भ्रष्ट कर दिया, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश को तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। तो ये वाली बात जो बोली थी ये उस लोग यानी शैतान के दिमाग में ये योजना को, परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने का एक प्रोसेस चला, जिससे परमेश्वर ने जल प्रलय पर उसको फेल कर दिया। इन दुष्ट पतित स्वर्गदूतों ने सोचा कि यदि वे मनुष्य की अनुवांशिक संरचना को भ्रष्ट कर सकते हैं तो मसीहा स्त्री का वंश दुनिया में पैदा नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की योजना को जल प्रलय से खत्म कर दिया। और आज बड़ा तमाम मसीही लोग, प्रभु ने जल प्रलय क्यों भेजा, परमेश्वर ने 2 पेड़ ही बात क्यों लगाया जो परमेश्वर को मालूम, अरे ये इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। असली कहानी तो आपको तब समझ में आएगी जब आपको ये पता चल जाएगा कि सब कुछ गलत करने के पीछे शैतान है। इसलिए जब मसीह जगत में आए तो उन्होंने कहा, तूने बलिदान और भेंट की इच्छा ना की परंतु एक शरीर जो तूने मेरे लिए तैयार किया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 5 पद जी, इब्रानियों 10:5। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की है, होम बलि, बस एक देह तैयार की है। यदि मसीह नहीं आ सका तो गिरी हुई मानव यानी पतित मानव जाति यानी उसका पतन ही रह जाएगा और शैतान का अंधकारमय बंधन उसमें मनुष्य फंसा रहेगा। हनोक ने इसके विषय में भविष्यवाणी की है और हनोक की भविष्यवाणी आपको नए नियम में मिलती है और नए नियम में यहूदा की पत्री में उसने इस भविष्यवाणी को करा था। सबसे पहले डैनियल की पुस्तक निकालें, उसका 4 अध्याय, डैनियल उसका 4 अध्याय, देखने वाले स्वर्गदूत, डैनियल 4 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, डैनियल 4 अध्याय का 13 पद। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा, एक पवित्र पैरुआ यानी एक स्वर्गदूत उतर आया, उसने
उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखेर डालो, पशु उसके नीचे से हटाए जाएं और चिड़िये उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। इसका 17 पद पढ़िए इसी अध्याय का। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। 23 पद पढ़े इसी का 23 पद। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको हैं और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वे आकाश की, यानी ये राजा के विषय में दिखाया जा रहा था जो राज्य कर रहा था और लगभग पूरी दुनिया पर शासन था इसका। ये पहला सुपर पावर दिखाया गया है और उसके विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी में दिखाया जा रहा है और अंत में फिर ऐसा ही होगा ये बताया जा रहा है। और अभिभावक देवदूत के रूप में परिभाषित करता, ये फॉलन एंजल्स हैं जिसको यहाँ पर अभिभावक देवदूत के रूप में परिभाषित करता है। दो मौकों पर जब डैनियल ने निगरानी करने वालों का उल्लेख किया तो उसने इस बात पर ध्यान दिया कि ये पवित्र था, ये सुझाव देते हुए कि कुछ निगरानी करने वाले स्वर्गदूत पवित्र नहीं है। और संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कुछ स्वर्गदूत पवित्र हैं और कुछ पवित्र नहीं है, कुछ संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं और शक्तिशाली स्वर्गदूत उच्च स्वर्ग से चले गए और मानवता के अस्तित्व के स्तर तक विस्तार करने के लिए महिलाओं का उपयोग किया। ये फॉलन एंजल्स के बारे में बताया। शैतान और पतित देवदूत मानव जाति को भ्रष्ट क्यों करना चाहेंगे, ये क्या कारण था? कारण आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना हो, केवल इसलिए ये उसने किया जो उसका जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उस पूरी जनरेशन को नष्ट करके उसकी इस योजना को फेल कर दिया। और इसीलिए हम जब इस बिंदु पर आए हैं तो हम ये प्रश्न रख के और इसके आधार पर जब हम आगे चलते हैं, शैतान और उसके साथ स्वर्गदूतों का एक समूह स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह क्यों करेगा? ये संभावना है कि उन्हें ईश्वर द्वारा ईश्वर की सर्वोच्च रचना मनुष्य की देखभाल का काम सौंपा जाना पसंद नहीं आया। मालूम है परमेश्वर ने स्वर्गदूत क्यों बनाए थे? मनुष्यों के लिए सेवा करने के लिए, ये सेवा के लिए थे। और इन लोगों ने कहा हम इनकी सेवा क्यों करेंगे, हम इनके द्वारा शासन करेंगे, इनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, इनको गुलाम बना लेंगे, वही हुआ। और इनको ये पसंद नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान पवित्र शास्त्र के प्रति पूरी तरह जागरूक था जिसे उसने जंगल में तीसरे प्रलोभन में मसीह को उद्धृत किया था। एक पद पढ़िए लूका रचित सुषमाचार उसका 4 अध्याय उसका 9 से 11 पद तक पढ़ेंगे। 4 अध्याय 9-10-11। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, किसने? प्रभु यीशु मसीह को शैतान यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे कौन स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे
ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ऐसा मत्ती में लिखा हुआ इसमें नहीं है, मत्ती में लिखा हुआ है कि जब शैतान उसके पास से चला गया तो फॉलन एंजल्स गए, तो उसके परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे। और इसलिए भजन संहिता 91 उसका 11 पद पढ़िए, भजन संहिता 91 का 11 पद। शैतान कहां से बातें कर रहा है? लिखित वचन से ही बातें कर रहा है। ये जो शैतान कह रहा था ना कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि वे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ये कहां लिखा है? शैतान इस पद को बोल रहा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए। कौन? स्वर्गदूत। आपको मालूम है जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आपकी सुरक्षा किसके हाथों में होती है? हैं? स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आपके। ये ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन कोई आपको टच करके तो देखे, टच ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए मसीही जीवन में इस बात को जरूर सीखिए, समझिए, और सच्चाई से आपका विश्वास सच्चा हो, आपका समर्पण सच्चा हो, यानी आप वास्तव में मसीह में हो, और आपके जीवन में हर उस चीज से आपको अलग रहना है, उससे नफरत करनी है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पता चलती है कि यह परमेश्वर पसंद नहीं करता है, हर उस चीज से आपको घृणा करनी है। तब आपके जीवन में देखिए परमेश्वर की सामर्थ, ऐसी अद्भुत सामर्थ जो आपने कभी देखी नहीं होगी। और ये परमेश्वर का वादा मानव जाति के लिए था या सिर्फ मसीहा के लिए? मेरा मानना है कि ये एक वादा है कि अदृश्य क्षेत्र में देवदूत परमेश्वर के लोगों पर नजर रखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के साथ रक्त अनुबंध में प्रवेश किया, यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो मसीह में आ गए हैं, जो उसके वाचा में आ गए हैं। ये गिरे हुए देवदूत यानी फॉलन एंजल, शैतान को शायद ये पसंद नहीं आया कि सभी स्वर्गदूतों को मोक्ष के उत्तराधिकारियों की सेवा करनी चाहिए। एक पद निकालिए, उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करने के लिए स्वर्गदूत रखे गए थे। शैतान और उसके दूतों ने विद्रोह किया कि नहीं, हम उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा टहल नहीं करेंगे, और हम तो उनके द्वारा शासन करेंगे, उन्हें अपने वश में करेंगे। इसके लिए विद्रोह किया। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए, इब्रानियों की पत्री का पहला अध्याय का 14 पद। यहां पे आपको एक बात लिखी मिलेगी जी, पहला अध्याय 14 पद 14th वर्स। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? देखिए, उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं, और ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं थी स्वर्गदूत, और इन लोगों ने विद्रोह किया कि हम नहीं करेंगे। मानवता की सेवा करने के बजाय शैतान ने विद्रोह करने और अदन के बगीचे में आदम और हवा को ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने और ईश्वर के बजाय शैतान की आज्ञा मानने के लिए प्रलोभित करने का निर्णय लिया। शैतान उस सिद्धांत को जानता था जो पौलुस ने रोमियो की पुस्तक में लिखा था, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 16 पद। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जी बस, जंगल में यीशु के प्रलोभन में शैतान वैध तरीके से मसीह को दुनिया के सभी राज्यों को दिखा सकता है और ये कह सकता है, मैं तुम्हें ये सारा अधिकार
और वैभव दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है और मैं इसे किसी को भी दे सकता हूं। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था लूका रचित सुषमाचार 4:6 में, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। ये ध्यान देने योग्य है कि यीशु ने राज्यों और पृथ्वी के लोगों पर प्रभुत्व के शैतान के दावे से इनकार नहीं किया। यदि शैतान गलत होता तो क्या आपको नहीं लगता कि यीशु ने उत्तर दिया होता? इसके बजाय यीशु ने परमेश्वर के वचन को उद्धृत करते हुए कहा, ये लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। लूका रचित सुषमाचार के 4:8। पहली शताब्दी ईस्वी की पहली यहूदी पहले के यहूदी इतिहासकार जोसेफ फ्लेवियस भी एक ही समय में कई स्वर्गदूतों के स्वर्ग छोड़ने के इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद जब शैतान ने मानवता पर प्रभुत्व हासिल किया था, जब एडम ने शैतान की आज्ञाकारिता को चुना था और इसलिए उन्होंने परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया, क्योंकि परमेश्वर के बहुत से स्वर्गदूत स्त्रियों के साथ आए और उन पुत्रों को जन्म दिया जो अन्यायी साबित हुए और जो कुछ अच्छा था उसे तुच्छ जानते थे, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था, क्योंकि परंपरा ये है कि लोगों ने वही किया जो उन लोगों के कार्यों के समान था जिन्हें यूनानी लोग दैत्य कहते, दानव, यानी उस जमाने के यूनानी लोग उन्हें दानव बोलते थे और ये लोग इनको परमेश्वर ने नष्ट किया। इसलिए जो उत्पत्ति 6 में आपको 1-4 के बीच जो मिल रहा है, ये इसका ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इसलिए परमेश्वर इस चीज से नूह के समय जल प्रलय के द्वारा इससे निपटता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, नूह के समय में जब जल प्रलय परमेश्वर ला रहा था इस पृथ्वी पर, सब पूरी जनरेशन को, पूरी मानवता को, जो जो भ्रष्ट मानवता थी, जो फॉलन एंजल और स्त्री का मिक्स वर्जन बन गए थे, अनाकवंशी बन गए थे, इनको इनकी जनरेशन को नष्ट कर रही थी, तो उस समय में मनुष्य की एक ही जनरेशन बची थी, नू की पत्नी, उसके 3 और उनकी 3, ये 4 बचे थे जो केवल मानव मूल में थे, बाकी पूरी सृष्टि पर सब अनाकवंशी हो गए थे। और इनको नष्ट करने से पहले परमेश्वर उनको बचाने का प्रबंध कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कैसे? 120 वर्ष परमेश्वर ठहरा रहा, काहे के लिए? क्योंकि नूह का जहाज बन रहा था। बना कौन रहा था? नूह बना रहा था। नूह को नक्शा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। नूह को उस समय में नूह को वो समझ किसने दी कि वो जहाज कैसे बनना है? और वो परमेश्वर ने दी। किस लकड़ी से बनना है ये किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। कितना बड़ा बनना है किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। किस डिजाइन में बनना है किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। नूह परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जहाज बना रहा था, काहे के लिए? अपने परिवार के बचाव के लिए। और जब वो जहाज बना रहा था, बड़े विश्वास के साथ ये काम कर रहा था, तो ये अनाकवंशी उसको आके रोज डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे और उसकी खूब खिल्ली उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, ठट्टेबाजी करते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो नूह 120 साल तक जब जहाज बना रहा था, तो 120 साल तक वो केवल ये कह रहा था जल प्रलय आएगा और सारी पृथ्वी पर सारी मानव जाति जो अब भ्रष्ट हो गई है ये नष्ट हो जाएगी, सब मर जाएंगे और केवल जो जहाज में होंगे वो बचेंगे। आपको मालूम है कितने बचे थे? केवल नूह और नूह के 3 और उसकी पत्नी और उसके बेटों की पत्नियां, ये 4 बचे थे। और इसके अलावा तमाम जीव जंतु जानवर जो परमेश्वर की ओर से नूह के जहाज में भेजे गए थे वो बचे थे। अब ठीक ऐसे ही आप आ जाइए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। प्रभु यीशु मसीह के समय में अब क्या हो रहा है? नूह के जहाज की जगह आज मसीह की देह कलीसिया बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए क्या बना रहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस कलीसिया में जो लोग होंगे उनको वो बचा लेगा, बाकी इस पृथ्वी पर सब लोग नष्ट किए जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
आपके पवित्र वचनों के लिए और प्रभु पवित्र आत्मा के लिए जो हमको आपकी योजना के विषय में स्पष्ट करता है, ताकि प्रभु हमारा विश्वास दृढ़ होता जाए और हम दिन प्रतिदिन अपने प्रभु को समर्पित होते जाएं, और हम जब तक कि हमारा समर्पण पूर्ण ना हो, हमारा जीवन पूर्ण रूप से मसीह के वश में ना जाओ प्रभु, तब तक हम इसको करते रहेंगे ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, आपकी महिमा के लिए हो और सारी महिमा आपको मिले, और आपकी ओर से हमको जो आशीषें मिल रही है उसके लिए धन्यवाद। हम ये विश्वास करते प्रभु कि उद्धार पाए हुए लोगों की सुरक्षा और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए उनकी सेवा के लिए आपने स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं। ये एक नया डायमेंशन है जो आपके वचन के द्वारा हमें पता चलता है, जिसके लिए हम और धन्यवाद करते प्रभु कि हमें अपनी सुरक्षा की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेदारी है, और परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए स्वर्गदूत ठहराए गए जो उनकी सुरक्षा करते हैं। हम इस वायदे के लिए भी आपका धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।